गोंडा जनपद थाना इटिया थोप पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों राजेंद्र कुमार गौतम, रंजीत मौर्य, सत्य कुमार सोनकर, अकबर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 8 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त राजेंद्र कुमार गौतम के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा, बारापोर में एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में और क्षेत्राधिकारी सदर श्री विनय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष इटिया थोप करुणाकर पांडे की टीम के द्वारा चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये अंतर जनपदीय वाहन चोरों का गिरोह के सदस्य हैं और इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये अंतर जनपदीय वाहन चोरों का गिरोह है। ये इनके द्वारा लखनऊ में, सुल्तानपुर में और जनपद के मोतीगंज, हनेपुर, इटिया थोक में मोटरसाइकिलें जो चोरी की गई थी वो 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, 3 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद हुई। इसमें जो राजेंद्र गौतम है ये सरगना है, इसके द्वारा पंजाब में भी अपराध किया गया था, पंजाब में भी जेल गया था। ये पूरे सुकाली गाँव पड़ता है थाना धानेपुर का, इसी के गांव का रंजीत और सत्य कुमार दो लड़के और हैं इसी के साथ में, और एक कबाड़ी अकबर कबाड़ी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके राजेंद्र के कब्जे से एक असलाहा भी बरामद हुआ है और इनके द्वारा इस अपराध को कारित करने में एक राड का भी इस्तेमाल किया जाता था, वो भी बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके द्वारा और भी कई घटनाएं कारित की गई हैं मोटरसाइकिल चोरी की, उनकी जानकारी की जा रही है और कबाड़ी के द्वारा भी कुछ मोटरसाइकिलों को काटा जाना पाया गया है। इस संबंध में और भी गहराई से जांच करके और जो भी तथ्य मिलेंगे उनके आधार पर अगर किसी अन्य की संलिप्तता पाई जाती है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।